नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी के समय में हर एक आदमी खैनी, गुटखा, पान इत्यादि नशीली चीज़ों का सेवन करने लगा है, जिसकी वजह से उनके दांतों पे पीलापन आने लगा है और ये पीलापन धीरे धीरे कालेपन की ओर बदल जाता है और धीरे धीरे उनके दांत सड़ने लगते हैं। दांतों में दांत दर्द की समस्या होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय इसी में बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने काले हो चुके दांतों को भी मोती की तरह चमका सकते हैं, दूध की तरह सफ़ेद कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। हमसे फ्री में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में हुई घंटी को अवश्य दबा दें। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे क्लीन बॉल, जिसमें कि हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम इसमें सबसे पहली चीज़ लेंगे वो है फ्रेंड्स नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल के तेल के इस्तेमाल से हमारे मसूड़े मजबूत होंगे, हमारे दांतों पे जो कालापन या फिर पीलापन आ चुका है वो खत्म होगा, हमारे दांतों में जो कीड़े लग चुके हैं वो बहुत ही आसानी से बाहर आना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आपको इसमें लगभग आधे चम्मच की मात्रा में ये नारियल का तेल ले लेना होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें दूसरी चीज़ लेनी होगी वह है फ्रेंड्स थोड़ी सी मात्रा में हल्दी पाउडर। दोस्तों, हल्दी पाउडर के इस्तेमाल से आपके दांतों का पीलापन, आपके दांतों का कालापन जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके दांतों से बैक्टीरिया को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल देगा। इसके बाद दोस्तों, हम इसमें तीसरी और आखिरी चीज़ लेंगे वो है फ्रेंड्स थोड़ी सी मात्रा में ये बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा बहुत तेज़ी से आपके दांतों से कालेपन को निकाल देता है, जैसे कि दोस्तों इनो आपके पेट से एसिडिटी को ख़त्म कर देता है मात्र 6 सेकंड में, वैसे ही दोस्तों ये कार्य करता है आपके दांतों को सफाई करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मात्रा में ये बेकिंग सोडा डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों, आप इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला देंगे और फ्रेंड्स ऐसे अच्छे से मिला देने के बाद दोस्तों, आपको इस पेस्ट का कैसे इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको रोज़ाना सुबह जैसे कि आप ब्रश करते हैं और ब्रश पे कोलगेट लेकर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही दोस्तों कोलगेट के जगह पर आपको इसे लेकर के इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको ऐसा सप्ताह में 2 बार करना होगा। मात्र 2 बार के इस्तेमाल के बाद दोस्तों, आप पाएंगे कि आपका दांत पहले से बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो चुका है। आपके दांतों से जो बदबू आती थी वो बदबू आने की समस्या खत्म हो चुकी है, आपके दांतों की तमाम समस्याएं जड़ से खत्म हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्त यारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमसे फ्री में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।